हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एडिफाइंग एकता 24 और मैं हूं आपकी दोस्त एकता। तो आज आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां पे आज मैं आपको बताऊंगी ऐसी रेसिपी जो बहुत ही कॉमन है और लोगों की बहुत फेवरेट भी होती है। तो आइए हम हमारे साथ बनाते हैं बूंदी की कढ़ी। तो फ्रेंड्स, बेसन की कढ़ी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले अपनी तैयारी कर ली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक टेबल स्पून के लगभग राई ली है। मैंने यहाँ पे मेथी के कुछ दाने लिए हैं, ठीक है। मैंने एक यहाँ पे दो लाल मिर्च ली हैं और मैंने हरी मिर्च और लहसुन को काट के रख लिया है। तो फ्रेंड्स, कुकिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मेक श्योर कि हम बेसन का घोल बना के रख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, घोल बनाने के लिए मैंने इसमें 6 स्पून से बेसन ले लिया है, ठीक है ना। और अब हम इसको क्या करेंगे, पानी के साथ मिक्स करके हाथ से मिला के पूरा इसका पेस्ट बनाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं मैं इसमें पानी के साथ इसका घोल बना रही हूँ, ठीक है। तो इसमें पानी थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएं और फिर इसको घोल बनाते जाएं और इसको पूरा अच्छे से मिक्स करते जाएं, क्योंकि अगर आप इसे अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारा घोल इसमें लगभग बन के तैयार है। हम इसको थोड़ा सा पानी और मिलाएंगे, ठीक है, जिससे ये थोड़ा पतला हो जाए और हमारी बर्तन में अच्छे से ट्रांसफर हो सके, ठीक है। तो ये देखिए अब ये अच्छे से पतला हो गया है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बेसन की कढ़ी बनाने के लिए हमको मेन 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, एक बेसन का घोल, दूसरा मट्ठा या दही। तो अगर आपके पास मट्ठा है तब तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास दही है तो आप उसको थोड़ा सा पतला कर लें। तो आप उसे मिक्सर ग्राइंडर में भी कर सकते हैं या फिर हाथ से भी उसे पतला कर सकते हैं, जिससे उसमें लम्स ना रह जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने ये रेडी कर लिया है। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कुकिंग स्टार्ट करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने सबसे पहले कढ़ाई को गैस पर चढ़ा दिया है, उसको थोड़ा सा हीट होने के लिए छोड़ूंगी, फिर मैं उसमें मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करूँगी। कढ़ाई के थोड़ा हीट होने के बाद मैंने उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। तो ये हम इसमें लगभग 2 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालते हैं, ठीक है। अब हम इसको थोड़ी देर और छोड़ेंगे जिससे वो गर्म हो जाए। तेल के गर्म होने के बाद मैंने उसमें अपने तड़के वाले सामान डाल दिए। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाला है राई और मेथी को। राई और मेथी डालने के बाद मैंने इसमें अपनी लाल मिर्च डाल दी है। उसके साथ ही मैं इसमें अपने लहसुन और मिर्च जो मैंने काट के रखी है मैं वो भी डाल दूँगी। सादा मैंने इसमें तड़के वाला सामान डालने के बाद इसमें थोड़ी सी हींग डालनी है अपने को, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो लहसुन मिर्च है वो लगभग पक गए हैं। तो हम अपनी गैस को एकदम स्लो कर देंगे और अब हमको इसमें डालना है आधी ग्लास के लगभग पानी। तो आप कटोरी या ग्लास किसी से भी मेजर करके डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद हम अपनी गैस को फिर से मीडियम फ्लेम में ले आएंगे और हम इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हल्दी डालेंगे। तो जैसे कि अगर हम 2 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 1 चम्मच के लगभग हल्दी हमारे लिए इनफ होगी, ठीक है। तो हमने इसमें हल्दी डाला, अब हम इसको प्रॉपर अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे इसमें बॉयल आने लगा है। तो अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, मैं इसमें 1.5 चम्मच नमक का यूज़ कर रही हूँ। हल्दी और नमक डालने के बाद हमने देखा इसमें अच्छे से बॉईल आ गया है। तो हमने जो बेसन का घोल बना के रखा था वो अब हम इसमें डालेंगे। तो फ्रेंड्स, मेक श्योर कि हम जब इसमें घोल डाल रहे हैं उससे पहले आप चेक कर लें कि घोल एकदम लिक्विड जैसा हो, ठीक है, वरना उसमें लम्स पड़ जाएंगे जैसे ही वो उसमें पानी में जाएगा। तो अब मैं इसमें बेसन का घोल डाल रही हूँ और साथ में आप इसको दूसरे हाथ से इसको चलाते भी रहें। इसमें बेसन का घोल डालने के बाद हमने इसको 2 मिनट चलाया। अब हम इसमें और पानी मिला रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें पानी मिलाने के बाद जो आपने बटर मिल्क या दही जो कुछ भी रेडी करके रखा है आपको उसमें ये भी मिलाना है, ठीक है। तो ये देखिए मैं ये भी मिला रही हूँ अपना। बटर मिल्क इसमें डालने के बाद हम इसमें और पानी डालेंगे जिससे कि ये अच्छे से पतला हो जाए, ठीक है, और हम इसमें हमारे बेसन का टेस्ट नहीं आए पकने के बाद, ठीक है। तो हम इसमें पानी अच्छे से पूरा डाल देंगे और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ेंगे। अभी गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें। इसको मीडियम फ्लेम में 2 मिनट छोड़ने के बाद हमें इसको फिर से चलाना है एक बार पूरा, ठीक है, और उसके बाद हमें इसे हाई फ्लेम करके छोड़ देना है जब तक इसमें एक बॉयल नहीं आए। तो मैं इसको हाई फ्लेम करके छोड़ रही हूँ और इसको मैं चेक करती रहूँगी कंटिन्यूसली इसमें कब एक बॉयल आ रहा है। तो देखिए लगभग 3 से 4 मिनट के बाद इसमें बॉयल आना स्टार्ट हुआ है। तो हम इसको वापस से पूरा अच्छे से चलाएंगे, ठीक है, पूरा अच्छे से इसको मिक्स करें ऊपर नीचे बराबर से। और फिर अब हम इसे, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक बॉयल आ चुका है, अब हम इसको मीडियम फ्लेम में करके पकने के लिए छोड़ेंगे। इसको पकने के लिए अराउंड 10 से 15 मिनट्स लगेंगे,
बीच बीच में हम इसको मॉनिटर भी करते रहेंगे, जिससे कि कुछ भी इसमें ज़्यादा बॉयल नहीं आए और कुछ इशू समझ में आए तो हम इसको प्रॉपर मॉनिटर करते रहेंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारी कढ़ी की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग चल रही है और देखिए इसमें कंटिन्यूस बॉयल आ रहा है। अभी हम इसको पकने देंगे लगभग 10 मिनट और फिर ये हमारी बनके तैयार हो जाएगी। 10 मिनट के बाद हमारी कढ़ी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें लास्ट स्टेप कर रहे हैं, बूंदी डालेंगे, ठीक है ना। तो हमने इसमें बनाई है बूंदी कढ़ी, इसलिए मैंने लास्ट में बूंदी डाल दी है और अब हम इसको गैस को ऑफ कर सकते हैं। आप बूंदी की जगह यहाँ पे लौकी या पकौड़े या जो भी चीज़ यहाँ पे पसंद है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारी बूंदी कढ़ी बनके तैयार है और देखिए ये कितनी अच्छी लग रही है ना। तो अब आप इसको अपने फेवरेट चावल या रोटी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।